बागेश्वर में तेंदुए का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। आतंक का पर्याय बन चुका ये तेंदुआ आए दिन लोगों को अपना निवाला बना रहा है। ताजा मामला जिले के किडई गांव का है, जहां एक बार फिर तेंदुए ने बच्ची पर जानलेवा हमला कर दिया। बच्ची की चीख पुकार सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे और किसी तरह बच्ची को तेंदुए के चंगुल से छुड़ाया। परिजनों के दौड़ने पर तेंदुआ किशोरी को छोड़कर खेतों की ओर भाग गया। आनन-फानन में परिजनों ने बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां बच्ची का इलाज चल रहा है। किड़ई गांव में एक जो है बच्ची अपने घर से अपने बाथरूम को जा रही थी, तो गुलदार ने उस पर हमला किया और परिवार लोगों ने जब काफ़ी हल्ला किया तो उसको बच्ची को छोड़ के गुलदार भाग गया। उसके सर में चोट आई है और उन्हें कांडा PSC में अपना इलाज कराया और इलाज कराने के बाद बच्ची अपने घर को वापस चले गई। तो हमने उन परिवारजनों से बात की और उनको जो भी आर्थिक सहायता है वो दी जा रही है। हमारा स्टाफ अभी मौके पर गया है उनके। सूचना मिलने के बाद वन विभाग के पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और तेंदुए को पकड़कर पिंजरे में कैद कर लिया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। पंजाब केसरी टीवी के लिए बागेश्वर से जगदीश उपाध्याय की रिपोर्ट।